इसराइल का जो दारुल खिलाफा है, हर किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे, आगे लगी हुई है, लेकिन उसकी खबर नहीं वो बाहर आने दे रहे। लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे पता नहीं पाकिस्तान तो हम खत्म हो गया। यानी इमरान खान को अगर ये कहे कि जेल से नहीं भागो या डरो नहीं, अब ये समझ लें कि शाहिद खाकान के घड़ी बेचने से इमरान खान का घड़ी बेचने का क्राइम क्यों डिफरेंट है। और जब इन सारे झूठों को आप ऐड अप करते हैं तो तोशाखाना केस बहुत खौफनाक केस मान जाए। मैं अल्लाह से बड़ा डर के कह रहा हूँ आपको ये कि हमने पाकिस्तान को इस काबिल नहीं छोड़ा कि ये हमारे बच्चों के लिए काफ़ी हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। जुमे का दिन है, आज 17 तारीख है और मार्च का महीना है। मैं अभी थोड़ी देर पहले यानी मैं आया हूँ। मेरी असल में पिछले एक हफ्ते से तबीयत काफ़ी ख़राब है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में कराची में किया था, बड़ा एफर्ट करके किया था, और कराची में गया था तो वहाँ पे मुझे कोई किसी का एक्सपोजर हुआ। पहले तो डर ये पड़ गया कि कोविड है, तो दो दिन मैंने अपने आप को होटल में क्वारंटीन कर लिया। क्या जब रिज़ल्ट वगैरह आया तो पता चला कोविड नहीं है, लेकिन बहुत सीवियर किस्म के उसके सिम्टम्स थे। तो मैं किसी ना किसी तरह फ्लाइट पकड़ के मैं आ गया लाहौर, क्योंकि आपका पता है जहाँ आपका घर होता है वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, आपको सब कुछ होता है, तो एक वो तरीका होता है। तो खैर, तब से मैं अभी तक वो एक सीवियर और सीरियस अंडर ट्रीटमेंट रहा हूँ। अभी भी मैं को दो तीन घंटे की जैसा वो जेल से पेरोल पे निकलता है आदमी, तो मैं उस तरह अस्पताल से निकल के आया हूँ कि जी मैंने जाना है, एक दो मुझे वीलॉग्स करने थे, फिर मैं आता हूँ और फिर यानी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह दो तीन दिन लगेंगे उसमें, इट विल बी ऑल राइट। तो बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने सोशल मीडिया पर वैसे इंक्वायर किया, मैसेजेस भेजे। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द थॉट्स एंड द केयर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं इस वक्त। लोगों को क्या कन्फ्यूज कर रही हैं, पूरे मुल्क को उसने कन्फ्यूज कर दिया है, दुनिया को कन्फ्यूज कर दिया है। मेरा ताल्लुक तो एक बड़ी छोटी सी फेडरेशन से है पाकिस्तान में, वो है पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन। तो ब्रिज फेडरेशन जो थी, पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन, उसके तहत हम लोगों ने BFAM के लिए अप्लाई किया और फाइनली वो पाकिस्तान में हो रहा है, इंशाल्लाह मई में लाहौर में हो रहा है। अब वो जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होनी है उसका ये एशियन चैप्टर है आप समझे, और ये जोन का पूरी चैम्पियनशिप होनी है। और ये जो हालात चल रहे हैं यहाँ पे, कभी दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो जाता है, कभी कोई पेशावर में वो पुलिस की चेक पोस्ट और पुलिस के थाने के अंदर आके धमाका हो जाता है, या अभी इमरान खान के घर के बाहर जो हो रहा है, तो मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो हम पे बहुत सवालों की बौछाड़ कर रहे हैं। जो पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन के ऑफिशल्स हैं उनको कि यार ये सेफ़ है कि नहीं है, आएँ कि ना आएँ, तो हमारे सियासतदानों को ये एहसास नहीं होता कि उनकी सियासत और उनकी बोटियाँ जो हैं उसकी वजह से पाकिस्तान आगे किस किस्म की कीमत भर सकता है। मैं आपको एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि इस वक्त पिछले 1.5 महीने से तेल अवीव जो है वो ब्लॉक्ड है बिल्कुल। इसराइल का जो दारुल खिलाफा है वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, हर किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर, आगे लगी हुई हैं, सड़कें बंद हैं, लोग नेतन्याहू के खिलाफ इतना ज़्यादा निकले हुए हैं कि आपकी सोच है, इतना कभी भी मेरा ख्याल है यहाँ किसी के खिलाफ कोई नहीं निकला होगा जितना इस वक्त इसराइल में प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये फ़लस्तीनी नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये इसराइल के अपने यहूदी हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो कर रहे हैं ये, लेकिन उसकी खबर नहीं वो बाहर आने दे रहे, ना उनका मीडिया ना उनके सियासतदान। वो जो भी है वो अपनी हिब्रू जुबान में गिटर बिटर 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 करके वो जेरूसलम पोस्ट तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अल्लाह के हसल। लेकिन हम लोग यहाँ पे हर चीज़ को इस तरह से पेश करते हैं, तो हमें समझ नहीं होती। और दूसरा ये कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान तो हम खत्म हो गया। एक तो हर आदमी कन्विंस्ड है कि उसकी जो थ्योरी है ना कि जी बैंकक्रप्ट हो गया तो वही सही है, बस हो गया हो गया, अब अगर हमने अपने न्यूक्लियर से बेच दिए तो बस बेच दिए हैं। हर आदमी की ये सोच है, जो मैंने सोच लिया ना एक दफ़ा, जो मेरे छोटे से रोशन दिमाग में एक रोशनी की किरण फूटी है ना, वही सही है। और यही हमारे लीडरों का भी हाल है,
वो चाहे इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो हमजा शहबाज हो, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन हो। मैं अस्पताल में था, मैं बेड पे था और एक को टिकर चला मियां नवाज शरीफ का। अब बड़ा मुझे वट पड़ा, बड़ा मुझे गुस्सा आया। वो था कि जनाब अगर इमरान खान को बहादुरी के साथ गिरफ्तारी देनी चाहिए, जेल तो बहादुरी से जाया जाता है, समथिंग लाइक दैट। और मैंने कहा मियाँ साहब आप कितने गए हो, जेल तो रहे ही नहीं, सर्विसेज अस्पताल, और वहां से निकल के सीधा कतर, और कतर से निकल के इंग्लैंड, और वहां से आप सेल्फ्रिजेस और राइट बाग में कॉफी पी रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, केड़ा अस्पताल। हमें जो बताया गया कि 4 बाईपास होने हैं, 40 हो चुके हैं, पता नहीं क्या हो गया, जेल से कौन भागा? यानी इमरान खान को अगर ये कहे है कि जेल से नहीं भागो या डरो नहीं, तो ये बेनजीर भुट्टो तो कह सकती हैं, ये आसफ अली जरदारी तो कह सकते हैं, भाई साहब आपका कोई काम नहीं है, आपने आपने तो जेल में भी आपने खाबे खाए हैं, आपने तो वहां मजाक आपका जो हुआ प्लेटलेट्स का ही हुआ है, वो भी खाबे की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो मुझे अजीब भरे कि अपनी अपनी सियासत है, बट बेसिकली मसला क्या है कि लोगों को समझ नहीं आ रही है, 67 केस चल रहे हैं इमरान खान पे। आज जिस केस में उसको रिलीफ थोड़ा सा मिल रहा है, जैसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जी उसकी गिरफ्तारी की जो वारंट है वो मुअत्तल कर दी उन्होंने सेशन कोर्ट के, चौधरी जफर इकबाल साहब के कोर्ट के, मुअत्तल कर दिए। और अब यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में वो खुद गए हैं, अभी तो ये भी उनको मुअत्तल कर देगा, जाना पड़ेगा इमरान खान को कोर्ट में, ये एक तयशुदा बात है। और फर्द जुर्म आयद होनी पड़ेगी, आज नहीं होगी कल होगी, कल नहीं होगी एक महीने के बाद होगी, महीने के बाद नहीं होगी 2 महीने के बाद होगी, लेकिन होगी जरूर। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे बड़ी बहसें चल रही, मैं सर एक केस की बात कर रहा हूँ इस वक्त, बाकियों की नहीं बात कर रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा गुंजल हो गया है, इतना ज़्यादा गुंजल हो गया है कि उसको खोल कर उसको सुलझाने के लिए, मैं खुद अस्पताल में लेटा बता तो मैं सोच रहा था कि यार ये खबर किस केस की आ रही है, ये खबर किस केस की आ रही है, ये बयान किस केस पे आ रहा है, ये शाहिद खान का किस केस पे आ रहा है, ये मरियम नवाज का किस केस पे आ रहा है, ये इमरान खान के साथियों का बयान किस पे आ रहा है। सो देन आई स्टार्टेड एडिंग अप, एक्चुअली पीपल हैव फॉरगॉटन कि केस है कौन कौन सा और उनका इशू क्या है। तो आप एक केस को ले लेते हैं, तोशाखाना केस, शाहिद खान ने भी उसे गाड़ियां ली और बेची, बेच दी। मरियम नवाज ने गाड़ी ली, ले ली, नवाज शरीफ ने लिया और ने लिया, जिस जिसने भी लिया, मैं तो कहता हूं सबने मुंह काला किया, जिस जिसने भी लिया उसने मुंह काला किया, उसमें तो सहाफियों के भी नाम आ गए, उन सहाफियों को तो सहाफत ही छोड़ देनी चाहिए। और भाई आप तोशा खाना को भी नहीं आप छोड़ रहे, तो फिर आपने और क्या कह रहे, नहीं तो चले उसको भी रहने दे। इमरान खान पे डबल जेपडी है, वो क्यों है, बल्कि ट्रिपल जेपडी है। अब आप ये समझ लें कि शाहिद खान के घड़ी बेचने से इमरान खान का घड़ी बेचने का क्राइम क्यों डिफरेंट है और क्यों बढ़ा है, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। कतः नज़र इससे कि आप इमरान खान के सपोर्टर हैं या आप शाहिद साहब के सपोर्टर हैं, दोनों सूरतों में। देखिए शाहिद खान साहब ने एक घड़ी देखी, उन्होंने कहा जी ये घड़ी है, उन्होंने इसको एवेल्यूएट करवाया $2000। अब इस पर तो बहस हो सकती है कि एवेल्यूएशन कम हुई है, लेकिन यह कि भारत एवेल्यूएशन कमेटी है उसने कर दिया। उसके बाद उन्होंने $2000 दिए, वो घड़ी ली और मार्केट में जाके उन्होंने $20,000 की बेच दी। यहां तक तो उनका साबित हो गया, क्योंकि वो खुद मान रहे हैं। इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने वो सारे तोहफे तोशाखाना से निकाले, उनकी कोई पेमेंट नहीं थी, वो चले गए बनीगाला घर पे। बुशरा बेगम ने वहां से कॉलिंग की, बुशरा बेगम ने जुल्फी फलां फलां डिका डिका, जाओ जरा इनको इवेल्युएट करवाओ सारी चीजों को, उनको उन्होंने इवेल्युएट किया। जब बुशरा बेगम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये कीप दैट इन माइंड। अब वो हुकूमत की प्रॉपर्टी जो है निकल कर नॉन गवर्नमेंट हैंड्स में जा चुकी है और वहां पे फिर रही है, वहां पे बदल सकती है, खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ना भी हो तब भी वो गलत है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उस घड़ी के पैसे आ गए, उनका कह दी ये
$2,000 की है, जिस कमेटी ने एवेल्युएट किया उस कमेटी का नहीं पता चला आज तक कि वो कौन थी, उस कमेटी में कौन कौन लोग थे, उनका बैकग्राउंड क्या है जिन्होंने उस घड़ी को या उन घड़ियों को या उन कफलिंग्स को उन पेंस को उन्होंने एवेल्युएट किया जिन पे हीरे लगे हुए थे सबको। देखे ना आप, मुझे अगर कोई कफलिंग दिखाते हैं घड़ी दिखाते हैं और उसमें हीरे लगे हुए हैं तो मैं तो एवेल्युएट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो उनकी कीमत का नहीं पता। ये तो कोई सुनारा या ज्वेलर या वो इस टाइप का ही आदमी कर सकता है या उसको बनाने वाला कर सकता है। तो खैर उसके बाद वो पैसे जमा हो गए। अब जब उनसे सवाल उठा, अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ सारी बात को ताकि आपको समझ आ जाए, आप खुद इसमें ट्रैक ना लूज कर दें। जब उनको का उन्होंने पिंडी के एक शफीक साहब की दुकान की ज्वेलर की जाके रसीदें दे दी, वो हैंड रिटन रसीदें जो आपने देखी, कहिए हमसे इन्होंने लिया, इन्होंने हमें इतने पैसे दिए, हमने वो तोशाखाना में जमा कर दी, ठीक है जी। जब प्रोब होती है तो पता चलता है तो दुबई में घड़ी, तो और घड़ी का सारा साजो सामान भी वहां पे है क्योंकि घड़ी बनाने वाली कंपनी का भी ऑफिस वहीं पे ग्राफ जो है। अब जब वहां पे जाते हैं सरकारी नुमाइंदे और वहां पे जाके वो सारी उसकी तफ्तीश करते हैं तो ये जो शफीक साहब हैं तो मुकर जाते कहते हैं जी मैंने तो ना को घड़ी देखी है ना ली है ना खरीदी है ना पैसे दिए हैं और ये रसीद मेरे दुकान से किसी ने कागज कैश में मुका निकाला और ये जाली है। सब जालसाजी का भी मुकदमा बन गया, झूठ का बन गया, 400 BC का बन गया। अब दुबई में आप जाते जिस आदमी को आपने खरीदवाई वो कंपनी के पास ले गए जो कंपनी बनाने वाली है, उस कंपनी ने उसको सर्टिफाई करके दिया कि हाँ ये ऑथेंटिक है, ये ऐसा ही है, ये वो, उससे आपने पैसे लिए। आप मुकर के जी इसने तो हमसे ली दिए, इसने तो वो साउथ अमेरिकन है, साउथ अफ्रीकन है, पता नहीं कौन, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई है, ये उनके थ्रू लिए, हमें नहीं पता, हम नहीं इसको जानते। उस वेबसाइट वालों का भी आ गया कि जी हमने तो ना घड़ी ये देखी है ना हमारी पोजेशन में थी, है ये एक एंटीक चीज़ है जो मार्केट में फिर रही थी, हमने अपने व्यूअर्स के रीडर्स के इंटरेस्ट के लिए उसको अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया था कि ये घड़ी है देखो जी, ये इसकी कीमत है, ये इसकी मेक है, आपके पास पैसे हैं तो जाएं ले लें, ये नहीं ये था। सो एक घड़ी के चक्कर में क्योंकि उसमें जुल्फी बुखारी आ गया, क्योंकि उसमें बुशरा बेगम आ गई, क्योंकि उसमें फराह गोकी आ गई, क्योंकि उसमें एहसन गुजर आ गया, तो इतने ही उसमें झूठ भी आ गए। और जब इन सारे झूठों को आप ऐड अप करते हैं तो एक तोशाखाना केस बहुत खौफनाक केस मान जाता है क्योंकि उसमें 419, 420, 421, 422 ये सारे मुकदमे आते हैं। अब अगर मेरे ऊपर आप इल्जाम ये लगाते हैं कि मुबशर लुकमान तुम्हारे पोर्च में एक गाड़ी खड़ी है, मेरे पास कहां से पैसे आए इस गाड़ी को लेने के लिए, तो इसका ये जवाब तो बिल्कुल नहीं है ना। कि मैं कहूँगा जी कामरान खान की गाड़ियाँ चेक करो, पहले वो इमरान रियाज की गाड़ियाँ चेक करो, या पहले काशिफ अब्बासी की गाड़ियाँ चेक करो फिर मेरे पास आना। आप कहेंगे छोड़ो उनको, उनको भी कर लेंगे चेक, अभी तुम्हारी औकात हमने चेक करनी है। तो इस वक्त PTI वाले जो हैं उनके पास सिर्फ एक डिफेंस है, कहें कि जी सारों का चेक करो, ये करो, वो करो, वो करो, हर एक को इतनी कन्फ्यूजन में डाल दिया कि गुंजल बन गया। लेकिन मैं उस गुंजल को सुलझा कर आपको बता रहा हूं कि असल मसला क्या है। अगले वीलॉग्स में इंशाल्लाह बशर्ते सेहत मैं आपको बताऊंगा कि बाकी केसेस में क्या क्या, जब आप गुंजलों को खोल कर देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है। और ये बड़ी खौफनाक चीज हो रही है और मैं आपको बड़े दिनों से ये कह रहा हूं। इस वक्त अजान हो रही है मगरिब की बार, जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, मैं अल्लाह से बड़ा डर के कह रहा हूं आपको ये कि हमने पाकिस्तान को इस काबिल नहीं छोड़ा कि यह हमारे बच्चों के लिए काफ़ी हुआ। हमने अभी तक पाकिस्तान को इस काबिल नहीं छोड़ा कि हमारी आखिरी जिंदगियां भी यहाँ से ही निकल जाएं। अगर आज हम 22 करोड़ लोग एकदम से सीरियस नहीं होते और अपने आप से सच नहीं बोल सकते तो फिर जो हमें सच बोलेगा वो हमें हकीकी गुलाम बना के रखेगा और हकीकी नौकर बना के रखेगा। सोचिएगा इस पर। अल्लाह हाफिज़।